जी खुश आमदीद प्रोग्राम में आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पर। मोहसिन हसन खान साहब बैठे हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक कोच, साबिक टेस्ट ओपनर, और बहुत डिटेल में आज इनसे बात करेंगे। अभी हमने जो इनका टेन्योर शुरू हुआ था एज सेलेक्टर मार्च 2010 में, वहां जो एक क्राइसिस उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट में आया था कि 7 लड़के बैन हुए थे, तो एक एक करके मोहसिन खान एज चीफ सेलेक्टर ये खुद बता रहे हैं कि लड़कों को टीम में ये लेकर आए थे। यूनुस खान का मैटर एजाज भट्ट साहब के साथ बहुत ज्यादा उन दोनों की आपस में ऐसा जो रिपोर्ट हो रहा था कि बहुत ज्यादा तनाव है, लेकिन फिर आपने कन्विंस किया किसी तरह से और यूनुस वापस आया। हाँ देखिए, मैं इसमें क्रेडिट दूंगा दोनों को, सबसे पहले चेयरमैन एजाज भट्ट को, फिर यूनुस खान को। यूनुस खान, उनमें कोई आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से इतनी दूरियां हो गई थी। तो आई थिंक मैं आपसे मिला भी था कि एक किसी प्रोग्राम में, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूनुस से बात करूँ। यूनुस से मैंने बात की और मैं बड़े फख्र से बात कह सकता हूँ कि सारे लड़के मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, इसलिए कि मैं हर प्लेयर की इज्जत करता हूँ। तो यूनुस को मैंने कहा, देखो बेटा, अभी तुम्हारे पास 2-3-4 साल बाकी हैं, तुम वर्ल्ड के टॉप के बैट्समैन हो, वन ऑफ द टॉप बैट्समैन हो, तो वह इन चीजों से हटो और आओ अपने मुल्क की खिदमत करो। तो उसने कहा, मोहसिन भाई ये प्रॉब्लम है, वहां चेयरमैन के साथ ये। मैंने कहा, अगर ये प्रॉब्लम हल हो जाए तो खेलोगे? आर यू अवेलेबल? ही सेड, मोहसिन भाई पाकिस्तान के लिए मैं किसी वक्त भी अवेलेबल। फिर मैंने एजाज भट्ट साहब से बात की, एजाज भट्ट साहब ने कहा कि नहीं, उसने ये है, पता नहीं क्या करेगा। मैंने कहा, सर अगर आप कहें तो वो लड़का इतना ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान खेलने के लिए कि वो आपसे माफी तक मांग सकता है। तो एजाज भट्ट बेसिकली मैंने नोट किया, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए अब सीज फायर क्या बारे में मैंने यूनुस से बात की, उसने कहा, जी मैं बिल्कुल, मेरी खिदमात हाजिर हैं, लेकिन बस ये बात हो गई थी। मैंने कहा, उसको भूल जाओ, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने एजाज भट्ट साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसने थोड़ा सा बिहेवियर था, ये वो था। लेकिन मैंने कहा, जी अगर आप कहें तो मैं यूनुस खान से आपसे माफी मंगवा दूं। आप यकीन कीजिए, एजाज भट्ट ने कहा, नहीं, वो मेरे मुल्क का स्टार है, वो मेरे बेटों की तरह है, वो मेरे पास, लेकिन वो क्या वो मेरे पास आएगा? मैंने कहा, जी वो अगर आप कहें तो यहाँ पे वो एक घंटे में पहुंच जाएगा, इसलिए कि वो लाहौर में कहीं मैच खेल रहा था। तो अच्छा, सॉरी आई बेग यू पार्डन, कि दूसरे दिन सुबह पहुंच जाएगा, इसलिए करा उसका मैच था दूसरे दिन लाहौर में। तो मैं उसको कहूंगा मैच पे जाने से पहले वो आपके पास आ जाए, और 10 बजे उनकी मीटिंग अरेंज हुई है। और मैंने कहा, आप आराम से डिटेल में बात कर लीजिएगा। आप यकीन कीजिए आसिफ, 10:04 प्रिसाइसली मेरे पास फोन आया एजाज भट्ट साहब का कि यूनुस खान इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, व्हाट डू यू वांट टू डू? आई सेड, सर प्लीज आस्क हिम टू जॉइन द कैंप, यू नो, ऐसे मैटर्स। अच्छा, यूनुस खान को टीम में तो वो फौरन ले आए, इतना जबरदस्त रिकॉर्ड है उनका, बेहतरीन पाकिस्तान के बैट्समैन है, उनको टेस्ट कप्तानी क्यों नहीं दी उन्होंने एजाज भट्ट साहब की? अगर हम अभी उस टेन्योर की बात करें, आपके ख्याल में मिसबा को ऊपर वो क्यों लाए उसको? देखिए आई थिंक थोड़ा सा यूनुस के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सी डिवेलप हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जितना देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली, मैं जबरदस्ती किसी की तारीफ नहीं करूंगा, भला बुरा कर दूंगा, लेकिन यूनुस खान एक अच्छा क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में हो सकता है कुछ मुंह से बात निकल जाती है, आपको पता है, एक बात को खराब करें, हमारी यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं, हमारे दुश्मन यही मौजूद है हमारे मुल्क में, यहाँ कि हमारे टैलेंट को खराब करने के चक्कर में, अपने नंबर्स बनाने के चक्कर में। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहता जाऊंगा, चाहे पास के चेयरमैन हो, चाहे प्रेजेंट चेयरमैन हो, या फ्यूचर के जो भी चेयरमैन हो, खुदा के वास्ते जब तक अपने आंखों से कोई चीज ना देखें, अपने कानों से कोई बात ना सुने, यकीन ना करें। इसलिए कि जो राइट लेफ्ट आपके बैठे होते हैं ना लोग, बहुत से ये अपने नंबर्स बनाने के चक्कर में गलत न्यूज आप तक पहुंचाते हैं और पता लगा कि जबरदस्ती रिफ्ट फैला देते हैं। तो आई थिंक वो भी, ये मैं सबके हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन कमिंग बैक टू यूनुस, आई थिंक एक छोटी सी बात थी, उसको इतना बड़ा बना दिया गया, 4 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये बात है आज से 2 साल तकरीबन पहले की है, आज तक यूनुस खान खेल रहा है, टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, 2020 के लिए उसने माजरत कर ली है, परफॉर्म कर रहा है। दुनिया का जो टीम आती है, अगर वो कहती है पाकिस्तान टीम में हम किसी 2-4 बैट्समैनों से डरते हैं,
तो उसमें से यूनुस खान एक है। अच्छा, मार्च 2010 में सिलेक्टर आप बने, आपने बड़े नए नए लड़के आपने इंट्रोड्यूस कराया जो आज मेन स्टे हैं पाकिस्तान की बैटिंग का, बॉलिंग का, लेकिन फिर आपने आपको इस जॉब जो आप पहले भी कह चुके हैं कि कोचिंग वॉज योर प्रायोरिटी, सिर्फ यही सोच के आपने चीफ सिलेक्टर की जॉब को छोड़ दिया कि टेम्पररी कोचिंग पे आप चले जाएं, आप इसी पे स्टिक करते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? देखिए, उसमें हुआ ये था कि जब चेयरमैन अभी जका अशरफ से पहले एजाज भट्ट साहब ने मुझे श्रीलंका सीरीज के लिए कहा कि मोहसिन वकार को हम हट गया है या किसी जो भी वजूहत थी, तो मैं चाहता हूं कि श्रीलंका की सीरीज तो मैं जब कोच चले जाऊं और चीफ सेलेक्टर भी बने रहो और कोच भी बन के जाऊं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने कहा भट्ट साहब, देखिए मैं दो दो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल सकूंगा, सुबह से रात तक मैं टीम के साथ कोचिंग में लगाऊंगा, इसलिए कोचिंग का ग्राउंड का सिर्फ नहीं होता, कोचिंग की ग्राउंड एक्टिविटीज होती हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं। ये मुझे ये मेरा अगला सवाल होगा आपसे, मैं उसमें आ रहा हूं, क्योंकि मोहसिन वाज अ लेट बैक कोच, दिस इज अ लेबल, ये सवाल में बात मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं दो दो इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि फिर मैं होटल आऊं तो पता लगा मैं सिलेक्शन कमेटी से दुबई से ही अबू धाबी से अपनी पूरी सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्शन डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे एज अ कोच भेज रहे हैं तो उस पीरियड के लिए आप किसी और को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दें और मुझे सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। उसके बावजूद भी आप यकीन करें आसिफ कि बड़ी मुश्किल से भट्ट साहब माने थे कि नहीं 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 करके, फिर उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कोचिंग को पूरी अटेंशन देना चाह रहा हूँ कि मैं मेरे लड़कों को ये फील ना हो कि जी इनका तो दिमाग ही कोचिंग की तरफ नहीं है, ये तो सिलेक्शन मैटर में पड़े हैं। तो बहरहाल फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप एज ए कोच चले जाओ, वापस आके ज्वाइन कर लेना, टेक योर पोजिशन बैक। फिर आई थिंक मोहम्मद इलियास को उन्होंने खैर वो सवाल मैं अपना रोकता हूँ। इजाज़ भट्ट साहब के हवाले से आखिरी बात मैं कर लूँ, आप इतनी तारीफ उनसे कर रहे हैं लेकिन आपकी तो बड़ी उनके साथ झगड़ा हुआ था, आप तो इस्तीफा देने तक आ गए थे कराची में, आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं की थी एट द 11th आवर, आपने उसको मुलतवी किया, लेकिन बहुत शदीद कोई इख्तलाफ तो आपका भी हुआ। बहुत शदीद इख्तलाफ हुआ था एजाज भट्ट के साथ नहीं हुआ, होता ये था कि आसिफ सिलेक्शन कमेटी एक टीम सेलेक्ट करती है, चाहे वो किसी लड़के का कम बैक करा रही हो या नए लड़के को डाले, खासतौर पर दो कैटेगरी, एक प्लेयर पक्का है तो वो खेलता ही है टीम में, लेकिन दो प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिसका कम बैक हो रहा होता है और जो नया लड़का आया होता है, तो उसको सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसी के तहत सिलेक्ट करती है कि जी ये इन इन मैचेस में जरूर खिलाया जाएगा, ये खिलाना चाहिए, पोजीशन बनती है ऐसी, बनाना भी चाहिए अगर प्लेयर को ग्रूम करना है। एक टूर दो टूर हमने देखा कि हमारे दो तीन लड़के बगैर खेले वापस आ रहे हैं, तो मैंने चेयरमैन एजाज भट्ट से भी कहा, मैंने कहा कि देखिए दिस इज नॉट फेयर कि एक लड़का टूर पे जाता है बगैर खेले वापस आ जाता है, फायदा क्या हुआ उस टूर के लड़के, इससे अच्छा हम उसको भेजें ना टूर पे, उन 14 लड़कों को भेजें बजाय 16 या 17 के। तो ये चीज तो ये दिस वॉज कुकिंग, एक चीज ये पक रही थी। इवेंचुअली एक दफा ये हुआ कि टीम जा रही थी शायद जिम्बाब्वे या पता नहीं कहां, बाहर की टीम अनाउंस, हमने टीम अनाउंस की, टीम अनाउंस करने के बाद कराची में टीम अनाउंस की थी, यहीं पे थे एजाज भट्ट साहब। उसके बाद जब मैं घर आया तो लेट नाइट में देख रहा हूं कि टिकर पे टीम चल रही है और उसमें 3 से 4 नाम चेंज। अच्छा, भट्ट साहब ने या किसी और ने नाम चेंज? नहीं, वही मुझे पता चला। इसको यहां रोक दे, मैं एक ब्रेक में ले लूं क्योंकि लंबी बात है, लंबी बात है, बड़ा अच्छे टाइम पे ब्रेक लिया, काइंड ऑफ अ टीजर, ये बेहतर समझते हैं इस चीज को, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं।